हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आगे जेनेटिक्स को समझने में काम देगा, ठीक है? इसमें सबसे पहला टर्म है फैक्टर। क्या? फैक्टर। तो हेडिंग दीजिएगा सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, और इस टर्म में सबसे पहला टर्म है आपका फैक्टर। क्या भाई? फैक्टर। जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट इनिशिएट किए ना, तो इनका एक्सपेरिमेंट था 1856 में। कब? 1856 में मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। तो उस समय ना माइक्रोस्कोप था, ना टेक्नोलॉजी था कोई, है ना, ना छोटे छोटे माइक्रोबायोलॉजी का कुछ जिक्र भी नहीं था। मतलब सेल के अंदर कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है ये भी पता नहीं था लोगों को। क्लियर? तो मेंडल का जो वर्क है वो टाइम से पहले है, लेकिन मेंडल चीजों को समझ गए थे कि भाई कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। क्या? कुछ तो है जो इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। और उस मटेरियल को क्या नाम दिया इन्होंने? फैक्टर नाम दिया। क्या दिया भाई? फैक्टर। तो इनका कहना था मेंडल का कि भाई फैक्टर ना यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। ये फैक्टर ही है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, स्पेसिफिक ट्रैट को डिटरमाइन करता है। क्या? स्पेसिफिक ट्रेट्स को डिटरमाइन करता है। देखो, बोल रहे हैं टर्म ट्रेट्स, ट्रेट्स है ना। क्या है? अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या बोल रहे हैं इन्होंने कि ये फैक्टर है। क्या? फैक्टर है। कोई स्पेसिफिक नाम इसको नहीं दिया, सिंपल क्या ना बोला, ये फैक्टर है जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है। बाद में 1909 कब? 1909 में जब फैक्टर टर्म यूज किसने किया? जवाब होगा मेंडल ने किया। किसने किया? मेंडल ने किया। बाद में 1909 में एक साइंटिस्ट है जोहानसन। क्या? जोहानसन। ये इंपॉर्टेंट है भैया ना, जोहानसन। ये इनका कहना था कि ये फैक्टर नहीं, ये क्या है? जीन है। क्या है? जीन है, ठीक है। जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, या इसको कहते हैं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जोहानसन का कहना था कि ये फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, और ये फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ही है जो किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को, किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। क्या? किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा पोर्शन ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइन ट्रेट्स। क्या? पोर्शन ऑफ डीएनए, पोर्शन ऑफ डीएनए, ये डीएनए का एक पोर्शन है जो क्या करता है? डिटरमाइन करता है ट्रेट को। पोर्शन ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइन ट्रेट्स। हाँ, तो जोहानसन ने क्या बोला कि जिन क्या है, ये पोर्शन है डीएनए का जो किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को डिटरमाइन करता है। क्या? किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को डिटरमाइन करता है। क्लियर? तो किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को जो डिटरमाइन करता है उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और टर्म फैक्टर यूज किया था, टर्म फैक्टर यूज किया था जीन के लिए। कौन किया था? कौन किया था? मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। क्लियर? अब बात आता है कि सर ट्रेट क्या होता है। देखो, आप सुने कभी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का दो ट्रेट हो सकता है। जैसे एक कैरेक्टर है हाइट। क्या है? हाइट, ठीक है। तो हाइट दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है टॉल या तो हो सकता है ड्वार्फ। क्या हो सकता है? टॉल या ड्वार्फ। तो जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ये ट्रेट है। क्या है? ट्रेट है। यानी कैरेक्टर एक, और एक कैरेक्टर के दो ट्रेट हो सकते हैं, टॉल और ड्वार्फ। जैसे स्किन कलर। क्या? स्किन कलर। तो स्किन कलर के दो ट्रेट हो सकते हैं, फेयर और डार्क। क्लियर? इस तरह से हेयर कलर, हेयर कलर के दो ट्रेट आप देख सकते हैं। क्या? एक तो भाई ब्राउन हेयर और दूसरा ब्लैक हेयर। क्लियर है? तो इस तरह से।
तो ट्रेट क्या होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, और उस स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। क्लियर? आपको पता है जिन के लिए, जिन के लिए जिनका जो सबसे पहले सिंबल के फॉर्म में जिन को यूज किया, फर्स्ट जिनके लिए जिन्होंने सबसे पहले सिंबल यूज किया वो थे मॉर्गन। क्या? मॉर्गन। मॉर्गन सबसे पहले ये सिंबल यूज किए, फर्स्ट यूज द सिंबल फॉर किसके लिए? हाँ भाई, इन्होंने जिन के लिए एक सिंबल यूज किया, किसके लिए? जिन के लिए। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था मॉर्गन। क्या? मॉर्गन। इसको थॉमस हंट मॉर्गन भी कहते हैं। आप मॉर्गन ध्यान रखेंगे अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो मॉर्गन सबसे पहले क्या जिन को रिप्रेजेंट किए किसी सिंबल से। ठीक है, जो डोमिनेंट जिन होता है ना, डोमिनेंट जिन के लिए इन्होंने कैपिटल टी, कैपिटल टी का यूज किया, यानी कैपिटल लेटर का यूज किया, और रिसेसिव जिन के लिए इन्होंने स्मॉल लेटर का यूज किया। क्या? डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर का यूज किया। क्लियर? तो आइए समझते हैं फैक्टर या जिन के बारे में। सबसे पहले मेंडल इसको क्या टर्म दिया, फैक्टर। बाद में पता चला ये क्या है, जिन है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। क्या? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो किसी भी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, किसी भी कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करता है, तो क्या कहते हैं, जिन कहते हैं। अब मन में बात आता है कि सर जिन या फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए किसी भी कैरेक्टर को या ट्रेट को कैसे डिटरमाइन करता है ना? तो देखो यहाँ पे समझना, बाकी अगले चैप्टर में मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए ये होता है डीएनए। क्या होता है ये? डीएनए। अब डीएनए से बनता है आरएनए। क्या बनता है? आरएनए। आरएनए ये सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसा होता है डीएनए वैसा ही सीक्वेंस कैसा किसमें होगा? आरएनए में होगा। और जैसा आरएनए का सीक्वेंस होगा ना वैसा बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के कारण हमारे बॉडी का कोई भी ट्रेट या स्पेसिफिक कैरेक्टर कंट्रोल होता है। मेरा हाइट इतना, इसका कारण क्या है? एक स्पेसिफिक प्रोटीन। कलर ऐसा है, आवाज ऐसा है, सब चीज के लिए, ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन। क्योंकि आप पढ़ेंगे कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। क्या? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जो भी एंजाइम्स है, जो भी एंजाइम्स है, और एंजाइम से क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन कंट्रोल होता है, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ये एंजाइम्स यानी एक तरह का प्रोटीन कहां से आएगा? तो जैसा डीएनए होगा वैसा आरएनए होगा, और जैसा आरएनए होगा वैसा प्रोटीन बनेगा, और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा आपका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा, वैसा आपका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होगा। क्लियर है? तो इस प्रोटीन के कारण, तो देखो ये होता है डीएनए। अब ऐसा नहीं है कि डीएनए ना ये कंप्लीट लगभग 2.2 मीटर का होता है, तो डीएनए का ईच एंड एवरी सेगमेंट फंक्शनल हो ये जरूरी नहीं है। डीएनए का वैसा सेगमेंट, क्या? डीएनए का वैसा सेगमेंट जो एक प्रोटीन बना सकता है, जो क्या बना सकता है भाई? प्रोटीन बना सकता है। उसी सेगमेंट को क्या कहते हैं? उसी स्पेसिफिक सेगमेंट को क्या कहते हैं? उसी स्पेसिफिक सेगमेंट को कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। समझ में आ गया? डीएनए में बहुत सारे ऐसे भी फ्रेगमेंट है जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा। क्या? जिससे प्रोटीन जो है ना वो नहीं बनेगा, यानी एक स्पेसिफिक सेगमेंट जो प्रोटीन नहीं बना सकता उसको हम जिन नहीं कहेंगे। क्लियर है? जो नेक्स्ट टर्म है वो है एलील। क्या? एलील। तो देखेंगे एलील। एलील टर्म सबसे पहले यूज किया था बेटेसन ने। किसने? बेटेसन ने। ठीक है, किसने यूज किया? बेटेसन ने। इसका कहना था एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जिन। क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जिन है, जो सेम पोजीशन पे रहता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे रहता है, उसको क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। लिखिएगा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जिन विच आर। जिन क्या भी? तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जिन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जिन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजिशन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजिशन
विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजिशन. और जो क्रोमोसोम पोजीशन होता है ना, जहां पे क्रोमोसोम क्रोमोसोम में जो पोजीशन होता है, जहां पे जीन प्रेजेंट होते हैं, उस स्पेसिफिक पोजीशन को कहते हैं लोकस. क्या कहते हैं? लोकस. और लोकस का प्लूरल क्या हो जाएगा? लोकाई. क्या हो जाएगा भाई? लोकाई. तो ये प्लूरल है, ठीक है, लोकाई. ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है. तो जीन क्या है भाई? सॉरी, एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है. क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, जो सेम पोजीशन पे रहता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे रहता है, ठीक है. अब देखिए, मेरे पास जो सेल है, या आपके बॉडी में जो सेल है, वो कहां से आया? जो भी सेल है, आपको पता है कि हमारे बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम है. क्या भाई? 23 पेयर क्रोमोसोम है. देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती होता है, लेकिन अभी तक चलता है. तो देखो, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. हालांकि आपको पता है, ये जो 22 पेयर ना, क्या 22 पेयर प्लस 1 अनपेयर्ड एक्स वाई, ये होता है मेल में. यानी मेल का जो क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो 22 पेयर होता है और एक पेयर नहीं होता है. यानी एक अनपेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं. यानी है ना, एक्स अलग और वाई अलग, इनके इनमें कभी पेयरिंग हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि ये होमोलोगस नहीं है, क्लियर. और फीमेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होता है. 22 पेयर तो ऑटोजोम्स होता है, ठीक है, और वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको एलोजोम कहते हैं. ये हो गया वन पेयर. यानी फीमेल में टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, और मेल में 22 पेयर क्रोमोसोम और एक एक्स और एक वाई, ठीक है. तो 46 तो यहां पे भी है, 46 यहां पे भी है. हम क्या बताना चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं कि भाई, ये जो 22 पेयर क्रोमोसोम है, और ये 22 पेयर होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम है, तो जब भी क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है ना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में ही पेयरिंग पॉसिबल है. किसमें? होमोलोगस क्रोमोसोम में ही पेयरिंग पॉसिबल है. जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये वैसा क्रोमोसोम है. क्या? जो एक क्रोमोसोम कहां से आया? मदर से आया. जबकि दूसरा क्रोमोसोम कहां से आया? फादर से आया. कहां से आया? फादर से आया. आपको पता है, ये है पेरेंट, मान लो ये हो गया फादर, और ये है मदर. क्या है? मदर. पेरेंट में गैमेट फॉर्मेशन हुआ, और गैमेट को क्या कहते हैं? यहाँ पे स्पर्म. और गैमेट्स में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है. क्या? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, 23. और यहाँ पे भी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है. क्या? 23. दोनों का जब फ्यूजन होता है, क्या दोनों का जब फ्यूजन होता है, तो 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं. क्या? सेल में कितने? जायगोट में कितने? 46 क्रोमोसोम बन गए. अब ये रिपीटेड डिवीजन करेगा और पूरे एम्ब्रियो को बनाएगा. यानी यहाँ पे जो सेल है, जायगोट में जो सेल है, 23 कहां से आया? फादर साइड से आया. और 23 कहां से आया? मदर साइड से आया. क्या? 23 फादर साइड से आया और 23 मदर साइड से आया. अब आप मान लीजिए कि ये एक नंबर क्रोमोसोम, वन नंबर क्रोमोसोम जो है ना, ये मदर का है, और वन नंबर क्रोमोसोम जो है ये फादर का है. ये जो एक नंबर क्रोमोसोम मदर का है, और एक नंबर क्रोमोसोम जो फादर का है, वो देखने में, यानी मॉर्फोलॉजिकली, क्या मॉर्फोलॉजिकली क्या है? एकदम सेम शेप के, सेम साइज के, ठीक है ना. तो वैसे क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली या स्ट्रक्चरली, ठीक है, या इनका फिजियोलॉजी भी क्या होता है? सेम होता है. यानी एक नंबर क्रोमोसोम, क्या एक नंबर क्रोमोसोम मान लो हाइट के लिए और हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्या? हाइट के लिए और हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर फादर का एक नंबर क्रोमोसोम हाइट और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मदर का भी एक नंबर क्रोमोसोम हाइट और कलर के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. यानी वैसे क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. वैसे क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम. क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे, क्या होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जिन का पोजीशन होता है ना, क्या जिन का पोजीशन होता है, और सेम पोजीशन पे, क्या होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे अगर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जिन प्रेजेंट रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? एलील कहलाएगा. क्या कहलाएगा? एलील कहलाएगा. एक बार फिर से,
होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट होगा उसी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहने का मतलब है एक क्रोमोसोम मेटर्नल और दूसरा क्रोमोसोम पैटर्नल। ये मान लेते हैं वन नंबर क्रोमोसोम ये है फादर का और वन नंबर क्रोमोसोम है ये मदर का। वन नंबर क्रोमोसोम जो है ना ये मेल मतलब जो फादर का क्रोमोसोम है वन नंबर क्रोमोसोम, वो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल टी कर दो। और मदर में भी जो एक नंबर क्रोमोसोम है और इसी पोजीशन पे, इसी पोजीशन का जो सेगमेंट है ना वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ स्मॉल टी कर दो। ठीक है, तो फादर का जीन और मदर का जीन, ये हो गया अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। सुनिए सुनिए, फादर का जीन और मदर का जीन ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन हो गया। ऐसा नहीं कि देखो कैपिटल टी मतलब टॉल वाला टी जीन और स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ वाला जीन, ये हो गया अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं। कैसा? ऐसा भाई देखो, मान लेते हैं कि फादर से आया हाइट के लिए, फादर से क्या आया हाइट के लिए क्रोमोसोम और मदर से भी आया हाइट के लिए भी क्रोमोसोम, दोनों कैपिटल एच और कैपिटल एच। तो एक जो जीन है वो फादर वाला है और एक जो जीन है ये मदर वाला है, ये है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम है आपस में, सेल के अंदर क्या है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, सेल के अंदर क्या होमोलोगस क्रोमोसोम है। इस होमोलोगस क्रोमोसोम में जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है, क्या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे होता है, सेम लोकस पे होता है, सेम लोकाई पे होता है। लोकाई क्या है? प्लूरल है। उसी सेम लोकस पे जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम पे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलील। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कहने का मतलब है एक मेटर्नल जीन और एक पैटर्नल जीन। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजिशन, विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजिशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। इट मे बी, मान लेते हैं ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हो सकता है कैपिटल टी, कैपिटल टी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। बिल्कुल ऐसा नहीं कि सर दोनों तो कैपिटल टी कैपिटल टी, ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन का हुआ, ये हुआ ये मैटर्नल क्रोमोसोम, ये पैटर्नल क्रोमोसोम। समझ में आया? चलिए, ये वाला ये मान लो एक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। यहाँ पे देखो स्मॉल आर, ये भी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। यानी यहाँ पे बात अल्टरनेटिव कहने का मतलब है मैटर्नल और पैटर्नल का हो रहा है, ना कि स्मॉल और कैपिटल का। क्लियर? इतना नोट डाउन करेंगे एलील। नेक्स्ट टर्म है अपना होमोजाइगस। क्या? होमोजाइगस। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे, पॉइंट बनाइएगा होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है भाई? देखो अगर जाइगोट का फॉर्मेशन, क्या जाइगोट का फॉर्मेशन आइडेंटिकल जीन या आइडेंटिकल फैक्टर वाले गैमेट से होता है, क्या आइडेंटिकल जीन या आइडेंटिकल फैक्टर वाले गैमेट से होता है जाइगोट का फॉर्मेशन, तो वैसे ऑफस्प्रिंग को, क्या वैसे ऑफस्प्रिंग वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। ठीक है, देखिए होमोजाइगस यहां पर लिखिएगा, A zygote is formed by a zygote is formed by क्या? Fusion of two gamete having identical fusion of two gametes having identical factor having identical
फैक्टर अ जायगोट इज फॉर्मड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट अ जायगोट इज फॉर्मड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर इज कॉल्ड होमोजाइगोट इज कॉल्ड होमोजाइगोट इज कॉल्ड होमोजाइगोट 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 तो उसको कह रहे थे होमोजाइगोट एंड ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम जाइगोट और जो ऑर्गेनिज्म बनेगा होमोजाइगेट जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होगा उसको क्या कहेंगे होमोजाइगस कहेंगे क्या कहेंगे होमोजाइगस कहेंगे कॉल्ड होमोजाइगोट्स एंड द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम जाइगोट एंड द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम जाइगोट is called क्या कहते हैं इज कॉल्ड होमोजाइगस जैसे मान लीजिए एक टॉल प्लांट है क्या एक टॉल प्लांट है वो टॉल प्लांट बनता है मेल गैमिट वाला कैपिटल टी और फीमेल गैमिट भी कैपिटल टी से क्या कैपिटल टी से यानी दोनों जो गैमिट्स है वो आइडेंटिकल फैक्टर का है क्या दोनों गैमिट्स है जो आइडेंटिकल फैक्टर का है ये है मेल गैमिट्स और ये है फीमेल गैमिट तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट अगर आइडेंटिकल फैक्टर्स के होते हैं क्या आइडेंटिकल फैक्टर्स के होते हैं और इनमें जो फ्यूज होगा तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या बन जाएगा कैपिटल टी क्या बन जाएगा भाई कैपिटल टी होमोजाइगोट और इस जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होगा उसको कहेंगे होमोजाइगस क्या कहेंगे होमोजाइगस क्या कहेंगे होमोजाइगस कहेंगे ठीक है क्लियर तो होमोजाइगस क्या है आइडेंटिकल फैक्टर के या आइडेंटिकल गैमेट्स के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है उसको होमोजाइगोट बनते हैं और ये जाइगोट डेवलप्ड हो जाता है जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको कहेंगे होमोजाइगस क्या कहेंगे होमोजाइगस नेक्स्ट है हेटरोजाइगस क्या है हेटरोजाइगस तो नेक्स्ट टर्म दीजिएगा हेटरोजाइगस ये जो होमोजाइगस है ना इसको हमेशा एग्जाम्पलीफाई करते हैं पेयर में जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए कैपिटल ए ठीक है ना क्योंकि दोनों गैमिट्स जो है ना ये गैमिट्स को दिखा रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर है ना तो जो दोनों गैमिट्स है वो आइडेंटिकल क्लियर है तो ये हो गया होमोजाइगस नेक्स्ट है हेटेरोजाइगस तो नेक्स्ट दे दीजिएगा पॉइंट हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है तो नाम से ही पता चल रहा है क्या अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स हैविंग डिफरेंट फैक्टर कॉल्ड हेटेरोजाइगोट क्या कहते हैं इसको हेटेरोजाइगोट कहते हैं एंड द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम जाइगोट एंड द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम द जाइगोट और जो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होता है उसको क्या कहते हैं इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस देखो भाई एग्जाम में ये सब टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्लियर ये जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस टर्म है ये सबसे पहले यूज किसने किया बेटेसन ने किया तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा टर्म यूज बाय होमोजाइगस यूज बाय बेटेसन
तो बिटसन ने इसको यूज किया, इस टर्म को यूज किया। नेक्स्ट अपना एक टर्म आता है हेमीजाइगस। क्या हेमीजाइगस? तो नेक्स्ट टर्म देंगे क्या हेमीजाइगस, है ना? तो नेक्स्ट टर्म दीजिएगा हेमीजाइगस। हेमीजाइगस क्या है? हेमीजाइगस किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, क्या किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर कोई सा भी जीन का सिंगल कॉपी होगा, क्या होगा? कोई भी जीन सिंगल कॉपी में प्रेजेंट होगा तो वो सिंगल कॉपी वाला जीन क्या कहलाएगा? हेमीजाइगस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेमीजाइगस कंडीशन कहलाएगा। तो लिखिएगा यहां पर, इन एनी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इन एनी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या, इन एनी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इफ एनी जीन प्रेजेंट इन अ सिंगल कॉपी, इफ एनी जीन, इफ एनी जीन प्रेजेंट इन अ सिंगल कॉपी, इफ एनी जीन प्रेजेंट इन अ सिंगल कॉपी, इट इज नोन एज हेमीजाइगस। It is known as hemizygous, ठीक है? तो उसको कहते हैं hemizygous condition। जैसे मेल एक्स वाई जेड, क्या भाई? मेल एक्स वाई जेड एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है। मेल एक्स वाई जेड जो है ना, ये hemizygous का एग्जाम्पल है। मेल एक्स वाई जेड, ये मेल एक्स वाई जीन क्या है? हेमीजाइगस का एग्जांपल है। जैसे देखिए, ये हो गया एक्स क्रोमोसोम, मान लो ये पी आर टी, ये ए बी सी, और ये दूसरा उसका आर है, और ये जो होता है ना, ये कुछ ऐसा आ गया। तो देखिए, तो शेप में, साइज में, मॉर्फोलॉजिकली क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है, लेकिन इसका आपको दिख रहा है हाफ सेगमेंट जो है ना, ये क्या है? ये सेम है। हाफ सेगमेंट क्या है भी? सेम है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं? हेमीजाइगस कंडीशन। या एक क्रोमोसोम मतलब डिप्लॉयड है, लेकिन एक क्या है, ये अकेला है। ये है एक्स क्रोमोसोम और ये क्या है? वाई क्रोमोसोम। तो सिंगल कॉपी में अगर प्रेजेंट रहेगा, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा कोई भी जीन, तो उसको क्या कहेंगे? हेमीजाइगस कहेंगे। और ये देखने को मिलता है मेल एक्स वाई जीन, क्या मेल में एक्स वाई जो जीन होता है वो हेमीजाइगस का एग्जांपल है। लेकिन फीमेल के अंदर क्या है? फीमेल में 22 ऑटोजोम है और 1XY है, सॉरी 1XX है, ठीक है? तो ये भी पेयर में और ये भी क्या है? पेयर में। तो एक्चुअल में फीमेल में क्या, ह्यूमन फीमेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, क्या 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, जबकि ह्यूमन मेल में 22 पेयर क्रोमोसोम होता है, क्या 22 पेयर क्रोमोसोम होता है, और वन पेयर एक्स और वाई क्या होता है? अनपेयर्ड होता है, या हेमीजाइगस कंडीशन में होता है। तो ये मेल और ये फीमेल, फीमेल में क्या है? 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्लियर है? जबकि मेल में 22 पेयर ऑटोसोम और 1X और 1Y क्रोमोसोम, ये अनपेयर्ड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट अपना टर्म आएगा फिनोटाइप। क्या फिनोटाइप? नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का हाइट, कलर, है ना, बॉडी फॉर्म्स, फोर लेग है, टू लेग्स है, आई कलर, हेयर कलर,
जो टाइप्स ऑफ ईयर फ्री है या फिर यहाँ पे अटैच्ड लोब है, तो जो भी आप बाहर से देख के पता लगाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो भी आप उसका मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं वो सब क्या है, जो भी उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देख रहे हैं वो क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप है। क्या है? फिनोटाइप है। ये सर फिनोटाइप बनता कैसे है? जैसे मेरा फिनोटाइप फादर और मदर के जैसा है, क्लियर? तो ये फिनोटाइप डिटरमाइन कौन करता है? ये फिनोटाइप डिटरमाइन करता है जीनोटाइप। क्या जीनोटाइप? मेरा जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। क्या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन? जेनेटिक मेकअप है ना, मेरा जीन कैसा है, जैसा मेरा जीन होगा, जैसे मेरे पास जेनेटिक मटेरियल होगा, जैसे मेरे पास डीएनए आरएनए होगा, वैसा मेरा फिनोटाइप होगा। क्या होगा भाई? फिनोटाइप होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा फिनोटाइप के बाद जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। तो दूसरा टर्म है जीनोटाइप। हाउ इज जीनोटाइप? क्या होता है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या इसको कहते हैं जेनेटिक मेकअप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है, उसके किस प्रकार के जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है। एक यहाँ पे टर्म है, एक और फिर से नाम है फिनोटाइप और जीनोटाइप। टर्म किसने दिया? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा टर्म फिनोटाइप और जीनोटाइप गिवन बाय, हमें कौन दिया? जो टर्म दिया है जीन। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप किसने दिया ये टर्म? अभी जोहानसन ने दिया। किसने दिया? जोहानसन। ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ये नाम साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट है। जोहानसन ने टर्म दिया जीनोटाइप फिनोटाइप और जीन। जीन भी किसने दिया? जोहानसन ने दिया। क्लियर? नेक्स्ट एक और पॉइंट है ट्रेट। क्या भी? ट्रेट। ट्रेट को हम देखिए, किसी भी कैरेक्टर के पास दो ट्रेट होते हैं, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है? और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। जैसे मेरा हाइट इतना है, तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें भी हाइट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है? जो दूसरा इंडिविजुअल होगा उसमें भी हाइट होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा या थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है? तो किसी भी इंडिविजुअल का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा स्पेसिफिक कैरेक्टर वैरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या इंडिविजुअल टू अनदर। क्या लिखते हैं? स्पेसिफिक कैरेक्टर वैरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, वैरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू वन इंडिविजुअल टू अनदर, उसको क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। जैसे स्टेम हाई फ्लावर कलर, ये सब क्या है? ट्रेट है। मतलब ये तो कैरेक्टर है और उसके दो ट्रेट हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते स्टेम हाइट दूसरा फ्लावर कलर। नेक्स्ट ट्रेट के बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिड क्या होता है। क्या हाइब्रिड क्या होता है? इतना नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? कोई सा भी एनिमल या प्लांट है ना, कोई भी एनिमल या प्लांट जो 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 दो डिफरेंट जो जो दो डिफरेंट जेनेटिक इंडिविजुअल से क्रॉस के बाद बनता है, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। क्या हाइब्रिड कहते हैं? कोई भी एनिमल या प्लांट जो दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल के क्रॉसिंग से बनता है, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। क्लियर? जैसे मान लो ये है रेड फ्लावर। क्या है? रेड फ्लावर वाला। और दूसरा है इधर व्हाइट फ्लावर। क्या भाई? व्हाइट फ्लावर। तो जो दोनों डिफरेंट है,
जेनेटिकली क्या है, दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल है, दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल को क्रॉस जब कराते हैं तो क्या बन जाता है, पिंक फ्लावर। क्या बन गया भाई, पिंक फ्लावर। ठीक है, तो पिंक कहने का मतलब है थोड़ा सा व्हाइट का प्रॉपर्टी भी आ गया, थोड़ा सा रेड वाला भी प्रॉपर्टी आ गया। क्लियर है, तो दोनों का इसमें डीएनए आ गया, दोनों का डीएनए आ गया, दोनों का जीन आ गया, यही क्या है, हाइब्रिड है। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल जो है ना कुछ क्या बन जाए, रेड बन जाए और कुछ कैसा बन जाए, व्हाइट बन जाए। क्या बन जाए, व्हाइट बन जाए। ऐसा भी हो सकता है, दो डिफरेंट पैरेंट को जब क्रॉस कराते हैं तो डिफरेंट तरह के क्या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो ये भी क्या एक तरह से हाइब्रिड भी। तो हाइब्रिड लिखेगा क्या, एंड एनिमल एंड प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम एंड एनिमल और कर लो और प्लांट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन एनिमल और प्लांट्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल, क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल। क्लियर, तब इसको कहते हैं हाइब्रिड। नेक्स्ट में आइए हाइब्रिड के बाद प्योर ब्रीड। क्या प्योर ब्रीड, हाँ भाई, तो प्योर ब्रीड क्या होता है, नेक्स्ट है प्योर ब्रीड। हाँ भाई, प्योर ब्रीड क्या होता है, देखिए कोई भी प्लांट जो है ना, क्या कोई भी प्लांट में अगर बार बार सेल्फिंग करा रहे हैं, क्या बार बार सेल्फिंग करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तो जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है वो सेम आ रहा है, कैरेक्टर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्योर ब्रीड। जैसे मान लो ये एक टॉल प्लांट है, कैपिटल टी कैपिटल टी, इस कैपिटल टी और कैपिटल टी में बार बार हम सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो रिजल्ट हमेशा क्या है, जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है वो कैपिटल टी और कैपिटल टी आ रहा है। तो कैपिटल टी क्या हो गया, प्योर ब्रीड हो गया। क्या हो गया, प्योर ब्रीड हो गया। लेकिन एक टॉल प्लांट है जिसका जेनेटिक ब्रेकअप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी को हम अगर सेल्फिंग कराते हैं बार बार, सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो कभी जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैपिटल टी हो जा रहा है, और कभी ऑफ स्प्रिंग कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी हो जा रहा है, कभी कैपिटल टी स्मॉल टी हो जा रहा है। यानी रिजल्ट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये प्योर ब्रीड नहीं है, ये इम्प्योर ब्रीड है। क्लियर, प्योर ब्रीड क्या होता है, प्योर ब्रीड वैसे प्लांट होते हैं जिनको आप रिपीटेड सेल्फिंग कराते हैं, क्या रिपीटेड सेल्फिंग कराते हैं, फिर भी रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, क्या ट्रेट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, तो वैसे ब्रीड को कहते हैं क्या, प्योर ब्रीड। क्या प्योर ब्रीड, तो प्योर ब्रीड में लिखेगा प्लांट दैट प्रोड्यूस सेम ट्रेट फॉर मेनी जनरेशन, प्लांट दैट प्रोड्यूस सेम ट्रेट फॉर मेनी जनरेशन, है ना, बार बार सेल्फी कराई रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, प्योर ब्रीड है। क्या भाई, ये प्योर ब्रीड है। क्लियर, मेंडल के जो सक्सेस होने का कारण था, ये भी था कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में प्योर ब्रीड प्लांट का यूज किए थे। किसका, प्योर ब्रीड प्लांट का यूज किए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस, कौन क्या है, प्योर ब्रीड है। प्योर ब्रीड मेंडल जो भी प्लांट लेते थे ना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सब प्योर ब्रीड प्लांट लेते थे, यानी उनका रिपीटेड सेल्फिंग करा देते हैं, और रिजल्ट अगर सेम आता था तो उनका मानना था कि ये प्लांट क्या है, प्योर है, इसमें किसी भी तरह का मिक्सिंग नहीं है, इसमें कैपिटल टी यानी टॉल करने वाला फैक्टर है, जिन वो टर्म तो आप जानते भी नहीं थे। क्या प्योर ब्रीड, ये जो प्योर ब्रीड है ना, ये क्या मेंडल के सक्सेस का
सक्सेस का कारण है, ठीक है, रीजन बिहाइंड मेंटल सक्सेस, रीजन बिहाइंड मेंटल सक्सेस। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि भाई मेंडल्स के आने के पहले, मेंडल्स लॉ तो समझा दिया कि भाई जो हेरिडिटी है, जो इनहेरिटेंस है, इसका कारण है फैक्टर, क्या है कारण फैक्टर। और मेंडल ने कुछ लॉ भी दिए है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ये सब। तो मेंडल के आने के पहले क्या आइडिया था इनहेरिटेंस का, क्या मेंडल के आने के पहले जो इनहेरिटेंस है, हेरिडिटी है, साइंटिस्ट इसके बारे में क्या सोचते थे, कैसा सोचते थे, ये भी हमको जानना चाहिए। तो आप हेडिंग दे दीजिएगा प्री मेंडेलियन आइडियाज अबाउट इनहेरिटेंस, क्या प्री मेंडेलियन आइडियाज अबाउट क्या इनहेरिटेंस। हाँ भाई, मेंडल के आने के पहले क्या आइडिया थे, कैसे इनहेरिटेंस होता था कैरेक्टर से जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। उस समय बहुत जो भी साइंटिस्ट थे और जो भी पब्लिक था वो बात मानता था किसका, डार्विन का। किसका बात मानता था भाई, डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने एक हाइपोथेसिस दिया, उस हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ पेन जेनेसिस, क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस ऑफ पैनजेनेसिस, पैनजेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या कहना था डार्विन का, ठीक है, डार्विन का कहना था कि भाई हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी सेल, क्या हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी सेल जो है ना, एक स्पेशल तरह के इंफॉर्मेशन को रिलीज करता है, और एक उस स्पेशल तरह के इंफॉर्मेशन को कहते हैं गैम्यूल्स, क्या कहते हैं भाई, गैम्यूल्स। तो डार्विन का कहना था कि हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी सेल क्या करता है, गैम्यूल्स बनाता है, क्या बनाता है, गैम्यूल्स बनाता है, क्या बनाता है, गैम्यूल्स बनाता है। और ये गैम्यूल्स क्या, ये गैम्यूल्स ब्लड के साथ, किसके साथ, ब्लड के साथ फ्लो करता है और आ जाता है और स्टोर हो जाता है कहां पे, सीमेन में, कहां पे, सीमेन में आके, ह्यूमन स्पर्म में आके स्टोर हो जाता है। और जब ये मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी ट्रांसफर होता है, यानी कि जब गैम्यूल्स ट्रांसफर होता है, गैम्यूल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है ना, हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी सेल क्या करता है, स्पेशल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, उस स्पेशल इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, गैम्यूल्स कहते हैं, क्या, गैम्यूल्स कहते हैं। और ये गैम्यूल्स के पास कैरेक्टर्स होता है, इंफॉर्मेशन होता है कैरेक्टर्स के लिए, ये मानना था, ये बस हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस मतलब मनगढ़ंत कहानी है, जो अच्छा लगा बोल दिए, डार्विन थे, बड़े लोग थे, लोग इनका बात सुनता भी था। तो डार्विन ने थ्योरी ऑफ पैन जेनेसिस दिया, क्या, पैन जेनेसिस दिया, इन्हें कहना था कि हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी सेल क्या, गैम्यूल्स प्रोड्यूस करता है, क्या, गैम्यूल्स प्रोड्यूस करता है। ये जो गैम्यूल्स है ना, ये ब्लड स्ट्रीम्स के साथ, ब्लड के साथ तो फ्लो करता है और सीमेन में आके स्टोर हो जाता है, और जब सीमेन ट्रांसफर होता है फीमेल बॉडी में, तो वहां पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये मानना था किसका, किसका, बोलो ना, डार्विन का मानना था। तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ पैनजेनेसिस या पैनजेनेसिस हाइपोथेसिस, जिसमें गैम्यूल्स का टर्म यूज है, सॉरी गैम्यूल्स का नाम यूज होता है, ठीक है, गैम्यूल्स। और ये गैम्यूल्स है ना, यही इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का कारण है, या कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का कारण होता है, ऐसा मानना था इसका डार्विन का। बाद में एक साइंटिस्ट आए, अगस्ट वीजमैन, क्या, अगस्ट वीजमैन, 1892 में, कब भाई, 1892 में एक साइंटिस्ट आए, अगस्ट वीजमैन। विजमैन का मानना था, क्या, विजमैन का मानना था कि भाई हर एक बॉडी के ऑर्गेनिज्म में, हर एक ऑर्गेनिज्म में
मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दो तरह का सेल होता है, एक को कहते हैं सोमेटोप्लाज्म, क्या कहते हैं सोमेटोप्लाज्म, और दूसरे को कहते हैं जर्म प्लाज्म, क्या कहते हैं भाई जर्म प्लाज्म, ठीक है सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म। ये जो सोमेटोप्लाज्म होता है ना, ये बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या इसमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और इसका क्या हो जाता है डेथ हो जाता है, क्या हो जाता है भाई डेथ हो जाता है। लेकिन अगर स्पेसमैन मार्क का मानना था, ये जो जर्म प्लाज्म होता है ना, ये इमोर्टल होता है, क्या होता है इमोर्टल होता है, ये ट्रांसफर होता है, क्या ये ट्रांसफर होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है, और इसके पास होता है क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। तो हमारे बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक को कहते हैं जर्मप्लाज्म जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है और ये ट्रांसफर होता है, और दूसरा होता है सोमेटोप्लाज्म जिसके कारण ग्रोथ डेवलपमेंट और उसका डेथ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है अगस्त रिजमैन का मानना था। तो जो रिस्पॉन्सिबल है एक कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजने के लिए वो कौन है, वो है जर्मप्लाज्म, कौन है भाई जर्मप्लाज्म, ये किसका मानना था अगस्त रिजमैन का मानना था। थ्योरी ऑफ टेनजेनेसिस आगे चल के गलत हो गया, ये जो गैमियोन्स वाला कॉन्सेप्ट है डार्विन का ये गलत हो गया, क्लियर है। तो मेंडल्स के पहले कुछ जमाना ऐसा था, लोगों का हाइपोथेसिस चलता था मेंडल आए और इनहेरिटेंस पे वर्क किया, हेरिडिटी पे वर्क किया। तो अब हम पढ़ेंगे मेंडलिज्म, क्या पढ़ेंगे भाई मेंडलिज्म, मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म पढ़ने के पहले हम मेंडल्स के लाइफ के बारे में थोड़ा उसका ब्रीफ रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। मेंडल जो थे ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, देखो मेंडल का लाइफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंडल का लाइफ इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेंडल क्या थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क, मॉन्क का मतलब होता है सन्यासी, है ना। तो ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, क्या ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, और यहाँ वहां पे ये क्या बन गए, सन्यासी बन गए, पादरी बन गए थे, ठीक है। इनका जो जन्म है वो 1822 में हुआ, कब हुआ है 1822 में, कब 1822 में इनका जन्म हुआ, और 1884 में 1884 में ये मर गया, ठीक है। तो इनका डेथ कब हुआ है 1884 में हुआ है, कब 1884 में हुआ है, और इनका जन्म कब हुआ है 1822 में हुआ है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसान परिवार से थे, क्या किसान परिवार से थे, पीजेंट फैमिली से थे, और ये मोराविया में इनका जन्म हुआ है, कहां पे मोराविया, मोराविया में इनका जन्म हुआ है, और मोराविया में एक जगह है, ऑस्ट्रिया में एक जगह है मोराविया, एक गांव है, ठीक है, जो एक शहर में है, और उस शहर का नाम है ब्रूनो, क्या नाम है ब्रूनो। तो ब्रूनो सिटी है, मोराविया एक गांव है, छोटा सा जो गांव है, कहां पे ऑस्ट्रिया में, कहां पे ऑस्ट्रिया में, वहां पे इनका जन्म हुआ है, किसका मेंडलिज्म का, आपको नाम याद रखना चाहिए, एक ऑस्ट्रिया के थे, ये तो मस्ट है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया के जगह ऑस्ट्रेलिया आके बनता है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, क्या ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, इनका जन्म कब हुआ 1822 में, डेथ कब हुआ 1884 में। मोराविया एक गांव है, वहां पे इसका जन्म, इनका जन्म हुआ, मोराविया गांव, ये शहर कहां पे ब्रूनो, ठीक है। और मोराविया जो है ना ये शहर में है, ब्रूनो शहर का नाम है, टाउन का नाम है, क्लियर है। 1847 में, क्या 1847 में ये हेड ऑफ मोनेस्ट्री बन गया, ठीक है, यानी 1847 में ये क्या हो गया हेड ऑफ मोनेस्ट्री, मतलब इनका जो आश्रम था ना, क्या इनका जो आश्रम था उस आश्रम के हेड बन गया, कौन 1847 में, कौन बोलो ना, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो मेंडल एक
पादरी थे पहले, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, और 1847 में ये क्या बन गए, उस आश्रम के हेड बन गए। क्लियर। तो अपने आश्रम में ये बैठे हुए थे तो देखे पी प्लांट को, किसको देखे, पी प्लांट को देखे। पी सारे प्लांट तो पी प्लांट है, लेकिन कोई प्लांट टॉल है और कोई प्लांट ड्वार्फ है। क्या कोई प्लांट टॉल है और कोई प्लांट ड्वार्फ है? किसी प्लांट में फ्लावर कलर वायलेट है, किसी प्लांट में फ्लावर कलर व्हाइट है। ठीक है, तो सेम प्लांट है और सेम प्लांट में वो वेरिएशन देखे। क्या देखे भाई? वेरिएशन देखे। तो वेरिएशन का कारण क्या है और इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कैसे होता है, ये जानने का इनको क्या हो गया है कि क्यूरियोसिटी आ गया। ठीक है, तो ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये क्या थे, एक मॉन्क थे, एक सन्यासी थे, और इनका मैथ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। क्या मैथ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैथमेटिशियन भी थे, लेकिन बायोलॉजी के साइंटिस्ट तो ये बिल्कुल नहीं थे। समझ में आ गया? तो अपने आश्रम के आगे बैठे हुए थे और पी प्लांट को देखे कि भाई गजब सा थोड़ा सा डाइवर्सिटी है, सब तो पी प्लांट है, लेकिन कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का जो कलर है फ्लावर कलर डिफरेंट है, किसी का सीड कलर डिफरेंट है। क्लियर, किसी का जो फ्लावर पोजीशन है वो डिफरेंट है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो वो क्यूरियस हो गया इस चीज को जानने के लिए और अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो कहानी यहीं से शुरू होगा, समझ में आ गया, इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो तुम देखे कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट नहीं किया। क्या मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट नहीं किया? ऐसा नहीं कि आज मेंडल अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और उनको बोला गया कि भाई जाइए कल से आप पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए, ऐसा हुआ था क्या? ऐसा नहीं हुआ था। मेंडल अपने आश्रम में देखे पी प्लांट को ग्रो करते हुए और वेरिएशन जो देखे, डिफरेंसेस देखे, तो उनके मन में क्यूरियोसिटी आ गया कि भाई क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ठीक है, तो उनका पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में लेना एक चांस था। क्या मेंडल पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में लिए, ये क्या था, एक चांस था। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली वो किया, उनके आश्रम में पी प्लांट ही लगा था तो अपना एक्सपेरिमेंट वो पी प्लांट से ही कर दिए। क्लियर, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट ही क्यों लिए। क्या मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट ही क्यों लिए, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल के सक्सेस होने का कारण क्या था। तो मेंडल के सक्सेस होने का कारण था कि मेंडल लकी थे, है ना, वो पी प्लांट को ही देखो और पी प्लांट में वो सारा कैरेक्टर्स, वो सारा एडवांटेज है जो एक एक्सपेरिमेंटल प्लांट में होना चाहिए, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, खैर आइए समझते हैं यहाँ पे। तो मेंडल ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, जन्म याद रखना है आपको, इनका मृत्यु भी याद रखना है, मोरेविया एक गांव है जो ब्रूनो शहर में है, ये याद रखना है। इनको 1847 में हेड बना दिया गया, किसका, इनके आश्रम का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कब से कब किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अपना ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, क्या ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कब से कब किया, तो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किए, ये 1856 से 1865 तक किए। कब किए, 1856 से 1865 तक अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए। अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश कब किए, अभी बहुत देखो ना, लगभग 10 साल ये काम किए, है ना, 9 साल, तो 9.5 साल ये काम किए और अपना ये जो पब्लिश्ड है, एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत सारा पहले के जो थे ही, तो इसको पब्लिश्ड किया कब इन्होंने, बोलो ना, 1866 में। कब क्या पब्लिश, 1866 में। देखो 1856 से 1865 तक ये काम किए और अपने एक्सपेरिमेंट को, जो भी उसका रिजल्ट आया था, उसको पब्लिश्ड कब कर दिए, 1866 में। कब कब किया भाई, 1866 में कर दिया। ठीक है, इतना मेहनत किया ये बंदा, ठीक है, सोचो पूरे 10 साल काम किया और रिजल्ट इसका बिल्कुल सही भी था, लेकिन फिर भी इनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, ये उस समय 90s के टाइम पे अननोटिस्ड है या फिर अनएप्रिसिएटेड है, कोई इसको नोटिस भी नहीं किया और इसको कोई अप्रिसिएट भी नहीं किया कि भाई मेंडल बहुत अच्छा काम किया। समझा गया, ऐसे इनका काम रखा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई हिज एक्सपेरिमेंट या व्हाई मेंडल एक्सपेरिमेंट अननोटिस्ड एंड अनएप्रिसिएटेड। ठीक है, तो लिखिए इस चीज को, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सारा इंपॉर्टेंट टाइम है।
एक क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाई मेंडल एक्सपेरिमेंट अननोटिस्ड और हाँ भाई इनको नोटिस भी नहीं किया गया और अप्रिशिएट भी नहीं किया और अनएप्रिशिएटेड। Why Mendel experiment unnoticed or unappreciated? क्यों? तो पहला तो कारण तुमको पता है कि मेंडल का जो वर्क है ये समय से क्या था, आगे था, ठीक है, तो वर्क अहेड ऑफ टाइम, ठीक है, लोग इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी इनके दिमाग में वो सब बात आ गया अहेड ऑफ टाइम, समय से पहले ही ये काम कर दिया ना, लोग अभी सोच भी नहीं रहा है, ये वहां तक सोच लिए, माइक्रोस्कोप नहीं है, फिर भी इनको फैक्टर दिखाई दे दिया, ठीक है। ये जो वर्क किए उस समय, ये जो कम्युनिकेशन मीडिया था, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर ये सब चीज नहीं था, है ना, यूट्यूब नहीं था कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका वीडियो बनाइए, अपना इन्फॉर्मेशन जो भी आप कलेक्ट किए हैं डाटा उसके बारे में एक वीडियो बनाइए और दे दीजिए, समझ में आ गया ना। तो उस समय ये मोबाइल डाटा नहीं था जिससे कम्युनिकेशन क्या किया जाए, फास्ट किया जाए, यानी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट को बताया जाए कि भाई हम ये काम कर लिए, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया इसके कारण भी ये फेमस नहीं हो पाए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप था जिसके कारण ये समझ नहीं पाए, टेक्नोलॉजी का कमी था जिसके कारण ये दूसरे को समझा नहीं पाए। बहुत सारे क्वेश्चन में, हालांकि इनका वर्क बिल्कुल सही था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ये खुद ही उलझ जाया करते थे, लोग ये इनका कहना था कि भाई देखो पेरेंट से प्रोजेनी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, कुछ डोमिनेंट होता है और कुछ रिसेसिव होता है, ठीक है, ट्रेड, लेकिन लोग इससे पूछते हैं कि डोमिनेंट क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, तो इसका कोई ये कारण नहीं बता पाए, समझ में आ गया। तो जो अपना एक्सपेरिमेंट था इनका रिजल्ट बिल्कुल सही था, लेकिन अपने ही एक्सपेरिमेंट में ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाया करते थे, ठीक है, इनको एग्जैक्ट कारण नहीं पता था। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेगा, नॉट श्योर ऑफ हिज ऑन आइडिया इनके ही एक्सपेरिमेंट में ये कुछ अपना श्योर नहीं था जिसके कारण। दूसरा, बायो वाले को तो मैं ऐसे भी नहीं समझ में आता है, और ये एक मैथमेटिशियन थे तो मैथमेटिकल अप्रोच लगा दिए, ये क्या मैथमेटिकल अप्रोच लगा दिए, 9:3:1, ठीक है, इस तरह का रेशियो कुछ कुछ दिखाने लगे लंबा चौड़ा, जिससे लोग परेशान हो गए, डर गया पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल अप्रोच नॉट एक्सेप्टेबल, मैथमेटिकल अप्रोच नॉट एक्सेप्टेबल। इन्होंने अपने कैलकुलेशन में मैथमेटिकल अप्रोच कर लिया, यानी बायोलॉजी में मैथ। नेक्स्ट है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उस समय बहुत ज्यादा तेजी चल रहा था, लोग सिर्फ और सिर्फ डार्विन के थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, जिसके कारण इनका जो एक्सपेरिमेंट है मेंडलिज्म, ये इनके इनके तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर लिखेंगे, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उस समय बहुत प्रोमिनेंस था, तेजी चल रहा था, इसके कारण इनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इनका जो फैक्टर था क्या दूसरे के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, दूसरे के द्वारा इनका जो फैक्टर था या इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जो फैक्ट ये बता रहे थे कि भाई एक फैक्टर होता है, जीन और डीएनए के बारे में कोई सुना भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था, ठीक है, लेकिन ये बस फैक्टर फैक्टर बोल रहे थे, तो लोग इनका बात अच्छे से सुन भी नहीं रहा था, कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं था, ठीक है, कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए या फिर उसका जो सेगमेंट होता है वो लेके जाता है, ठीक है।
तो इनकी तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं। इसका कारण क्या था? पहला कारण था डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, दूसरा मैथमेटिकल अप्रोच कर लिए थे अपने ही एक्सपेरिमेंट में, कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाया करते थे, टेक्नोलॉजी नहीं था जिसके कारण अपने इंफॉर्मेशन को, अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को ये दूसरे को बता पाते, और इनका वर्क समय से पहले था जिसके कारण से इनको इतना प्रॉब्लम हुआ। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलिज्म। क्या रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलिज्म? मेंडल एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया तीन साइंटिस्ट ने मिलकर, ह्यूगो डिवरीज, करेंस और ट्रेसमार्क। क्या? ह्यूगो डिवरीज, करेंस और ट्रेसमार्क, इन तीनों ने अलग अलग जगह पे, ह्यूगो डिवरीज नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड में एक जगह है होलैंड वहां पे थे, करेंस जर्मनी के थे और ट्रेसमार्क ऑस्ट्रिया के ही थे। इस तीनों ने अलग अलग जगह पे सेम टाइम में सेम ईयर में एक ही जैसा काम किया और रिजल्ट सेम पाया। तो इनका कहना था कि भाई मेंडल अंकल जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1900 में, कब? 1900 में। तब तक 1884 में ही क्या मेंडल जा चुके थे, 1884, और मेंडल का वर्क 1866 में हुआ। देखो मेंडल का जो डेथ है वो कब हो चुका है? 1884 में हो चुका है, और उनके ही वर्क को 16 साल के बाद रीडिस्कवर्ड किया गया। समझ में आया? 16 साल, 16 ईयर्स, बहुत बड़ा ईयर है। तो तीन साइंटिस्ट मिलकर रीडिस्कवर्ड किए मेंडल को, के एक्सपेरिमेंट को, उसको कहते हैं नियो मेंडलिज्म। क्या कहते हैं? नियो मेंडलिज्म। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई मेंडल के सक्सेस होने का कारण क्या है।